इंडियन आर्मी भर्ती 2021 को लेकर बड़ी खबर। 2021 में सेना भर्ती में भर्ती होना काफ़ी मुश्किल, क्योंकि यहाँ पर लगातार अभ्यर्थी है तो सेना भर्ती से अवरेज होने के बाद में सेना में भर्ती होने के लिए अपनी एज कम करा के फिर से नई मार्कशीट बना के भर्ती प्रक्रिया में चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर रनिंग भी क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन बाद में वो पकड़े जाते हैं। आखिर वो कैसे पकड़े जाते हैं? अगर आप भी सेना रैली भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये बड़ी गलती आप ना करें। इसके साथ ही कौन कौन से युवा आधार कार्ड के एक छोटी सी गलती के कारण पकड़े जाते सेना रैली भर्ती में और उन्हें बाहर कर दिया जाता है फिजिकल पास होते हुए भी। दोस्तों इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने वाले हैं। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे सभी दोस्तों तक, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सेना रैली भर्ती में क्या उम्र कम करा के या दूसरे जिले या दूसरे राज्य के डॉक्यूमेंट बना के सेना रैली भर्ती में जा सकते हैं, क्या भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि इतने दिन ऐसा कुछ हो रहा था, देखने को मिल रहा था। लेकिन 2021 में अब सेना की तरफ से हाईटेक सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने के बाद लगातार अभ्यर्थी हर सेना रैली भर्ती में हर दिन बहुत सारे कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं। दोस्तों इसको लेकर सारी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से बताएं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए और सेना रैली भर्तियों से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे फोटो में किस प्रकार एक साथ 19 कैंडिडेट पकड़े गए सेना रैली भर्ती में। ये वो सारे कैंडिडेट है जिन्होंने रनिंग तो क्वालिफाई कर ली, हाइट वेट टेस्ट में भी ये पास हो गए, उसके साथ ही दोस्तों इन्होंने 9 फीट का खड्डा भी पार कर लिया, लेकिन जब उनका डॉक्यूमेंट चेक हुआ उस समय आधार कार्ड के कारण ये पकड़े गए। कैसे पकड़े जाते हैं तो बिल्कुल मैं बता देता हूं। जो कैंडिडेट 5 साल उम्र कम करवाई, दौड़ भी पास कर ली, लेकिन पकड़ा गया, आखिर वो क्या कारण है तो मैं सबसे पहले बता देता हूं। जब आपके आधार कार्ड के अब आप सेना रैली भर्ती में जा रहे हो और अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप रनिंग पास होते हुए भी आपको सेना रैली भर्ती से आउट कर दिया जाएगा। बिल्कुल दोस्तों आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए और वहां पर आपकी जब आप फिजिकल पास कर लेते हो तो उसके बाद में दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका आधार कार्ड चेक किया जाता है और वहां पर आपसे एक ओटीपी मांगी जाती है। अगर आप ये ओटीपी बताते हैं तो सेना भर्ती में जितने भी आपने आधार कार्ड में करेक्शन करवाए वो सारे करेक्शन उनके सामने आ जाएंगे। आपने कहाँ कहाँ पर सेना रैली भर्ती देखी, आधार कार्ड में क्या क्या करेक्शन करवाया, आपने अगर डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन करवाया तो उसमें साफ साफ लिखा मिल जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ पहले इसकी 1995 थी, बाद में इन्होंने 2003 डेट ऑफ बर्थ करवाई है और बीच में इस आधार कार्ड को कहाँ कहाँ पर इसने काम में लिया है, कौन कौन से जिले की भर्तियाँ इन्होंने देखी है, कहाँ कहाँ पर एड्रेस चेंज करवाया है, इसको लेकर सारी लेटेस्ट जो अपडेट होती है वो सेना के सामने ओपन हो जाती है और आपको सेना रैली भर्ती से बाहर कर दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेटों के एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। तो इन सबको अगर देखा जाए तो बिल्कुल दोस्तों सेना रैली भर्ती में जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट है। अगर आप सेना रैली भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार का काम ना करें ताकि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। इसी बीच दोस्तों सेना रैली भर्ती जो उदयपुर में सेना रैली भर्ती चल रही है उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। मिलिट्री इंटेलिजेंसी एसओजी और स्पेशल टीम की एक बड़ी कार्रवाई हुई है। भर्ती का झांसा देकर रुपए लेते पूर्व फौजी गिरफ्तार हुए, साथ ही बहुत सारे युवा है जो ओटीपी में फिट कराने के भी 10-10 हज़ार रुपये ले रहे थे और इसी बीच काफ़ी ज़्यादा जो गिरोह है वो यहाँ पर पकड़े जा रहे लगातार। डिफेंस अकेडमी चलाता है ये रिटायर्ड फौजी, सेना के बड़े अफसरों से इसकी बड़ी भगत की आशंका बताई गई है। बात करें तो उदयपुर के चित्रकूट नगर स्थित खेल गांव में चल रही सेना भर्ती रैली में अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर रुपए एड़ते गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। वहीं जोधपुर मिलिट्री इंटेलिजेंसी एसओजी और जिला स्पेशल टीम ने रिटायर्ड फौजी सहित दो को दबोचा है। आरोपी सुकेर स्थित एक होटल में अभ्यर्थी से 10 हज़ार रुपए ले रहे थे कि टीम ने दबोच लिया और ये 10 हज़ार रुपए ओटीपी के पास करवाने के लिए जा रहे एक होटल में बुधवार देर रात हुई कार्रवाई में 9 राजपूत बटालियन सेवानिवृत्त कोटपुतली निवासी कमलेश गुजर और नागौर निवासी नरेंद्र जाट को गिरफ्तार किया गया है। वही दोनों आरोपी होटल में नागौर निवासी अभ्यर्थी नरेंद्र सिंह राठौर से भर्ती में पास कराने के एवज में एडवांस 10 हज़ार रुपये ले रहे थे। आरोपियों के पास कई अभ्यर्थियों के दस्तावेज मिले हैं। आरोपी कमलेश कोटपुतली में देव नामक डिफेंस अकेडमी चलाता है। ये अब तक 15 से अधिक अभ्यर्थियों से रुपये ले चुके हैं। सेना भर्ती में चिकित्सकीय परीक्षण व लिखित परीक्षा में पास करवाने का प्रलोभन देकर रुपये मांगते थे। दोनों आरोपियों ने रिटायर्ड कर्नल बताकर सीकर से ओम सिंह नामक व्यक्ति
फोन पर बात करा रहा था और पड़ताल में गिरोह के साथ सेना के कई अधिकारियों की मिलीभगत के भी संकेत मिले। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी, जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए और सेना रैली भर्ती से रिलेटेड हर प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब।